गाइस आज का वीडियो दो सिंगल बेस और दो टॉप के ऊपर है जो कि एक बढ़िया सेटअप के ऊपर है और इस सेटअप को लेकर एक भाई ने सवाल किया था कि ईस्ट एम्पलीफायर में क्या हम लोग दो बेस एंड दो टॉप का सेटअप बनाकर चला सकते हैं फिर नहीं चला सकते और इतना बजट हमारे पास नहीं है जो कि डेढ़ लाख से दो लाख तक की बजट है तो क्या हम एक अच्छा सा सेटअप बना सकते हैं नहीं बना सकते इसके बारे में जरूर वीडियो बनाइए तो इस तरह भाई का सिंपल ही सवाल था इसलिए वीडियो बनाया हूँ आपका किसी प्रकार कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मैं उसके हिसाब से जरूर वीडियो बनाऊंगा और मैं हमेशा वीडियो भी बनाता हूँ वो भी आपके सवाल ऊपर तो चलिए इस वीडियो तुरंत शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करूंगा स्टिंजर का कौन सा एम्पलीफायर है जो कि अच्छी तरह से दो बेस दो टॉप चला सकता है तो आप सबको बताना चाहूंगा देखिए ये एम्पलीफायर आपका स्टींजर का एस पी फाइव के होने वाला है हालांकि इस एम्पलीफायर में आप लोग अच्छी तरह से बेस नहीं चला सकते क्योंकि स्ट्रेंजर एम्पलीफायर ओनली टॉप के लिए बढ़िया बजता है बेस के लिए उतना अच्छा नहीं बजता लेकिन फिर भी अगर आप लोग चलाना चाहेंगे तो मैं आप सबको अच्छा सा बताने वाला हूँ जो कि ये अच्छा तरह से चला लेगा लेकिन जिस तरह आपको पंच साउंड को मिलना चाहिए वैसा आपको नहीं मिलेगा तो देखिए एम्पलीफायर आप लोग जानते होंगे जो कि का के एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर की आउटपुट जो कि आप लोग जानते होंगे जो कि टूम में आपका पच्चीस सौ वोटेज प्लस पच्चीस वोटेज पर चैनल ये प्रोवाइड करता है और इसका जो कि एटोम और फोरम का ऑप्शन है हालांकि इस सैनिफायर में तो मेंशन नहीं किया लेकिन एक्चुअली ये होता है और एसपीवी फोर के जो कि आया एम्पलीफायर उसमें अपडेट कर दिया है जो कि इसका आउटपुट मतलब मेंशन कर दिया हालांकि पहले नहीं किया था लेकिन अभी कर दिया है लेकिन इस सैनिफायर में अभी मुझे दिखने को नहीं मिला है अगर आपको पता है इसका आउटपुट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पर भी बहुत सारा हेल्प हो सकता है सभी भाइयों का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, से आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं ग्रुप में और अब बात करूंगा इस इसफायर का कुछ पॉइंट तो पॉइंट मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूं देखिए इस देख में आप लोग बेस उतना अच्छी तरह से नहीं चला सकता है हालांकि इसमें आप लोग टॉप आराम से चला सकते हैं और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ चलेगा तो आप इस सनीफायर में मतलब टॉप चला सकते हैं लेकिन अगर आपको चलाना चाहिए बेस तो मैं आप सभी को उस तरह भी बताने वाला हूँ आप लोग किस तरह चलाना चाहेंगे और कैसे रिजल्ट मिलेगा वो भी आप सबको बताने वाला हूँ चले अब बात करूंगा इस सनीफायर की पावर सप्लाई के बारे में जो ए सी और डीसी में तो देखिए इस सेफायर में ओनली एसी का ऑप्शन दिया है जो कि 220 सौ बीस बोल्ट ओनली इसमें ही आपको ऑपरेट करना पड़ेगा मतलब इतने कर आपको चलाना पड़ेगा अगर इसमें आपको देकर चलाएंगे तो इसमें दो सौ चालीस बोल्ट लेकिन इस सेमिफायर में उतना बोल्ट देकर चलाना है, मतलब रिकमेंड नहीं करता है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो दो देकर ही चलाने का चले आगे बात करूंगा इसके नेटबेट तो नेटबेट इसमें आपको दिनों मिलेगा जो कि 33.600 पॉइंट इस तरह आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा और चले अब बात करूंगा इस सैनिफायर की प्राइस जी हाँ प्राइस कितना आपको पढ़ने वाला है आप सबको वो भी बताता हूँ तो देखे इस सैफायर की प्राइस आपको देखने मिलेगा जो पैंतालीस हजार से आपका चालीस फिर आपको सैतालीस हजार तक भी देखने मिल सकता है क्योंकि इसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा आपको देखने मिलेगा इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है इसीलिए तो इतने रेंज में आसानी से आपको इन मिल जाएगा और तो चले अब बात करूंगा आप सबको टॉप किस तरह रेडी करना है और कितना प्राइस पड़ेगा तो ये रहा टॉप और इस तरह आपको टॉप मतलब लेना पड़ेगा सबसे पहले आपको मिलेगा जो की चौदह से पंद्रह हजार ही आपको दिन मिलेगा तो आप लोग इस तरह दो टॉप कैबिनेट ले लीजिएगा जो कि बेस्ट होगा और चले आगे बात करूंगा इस कैबिनेट के लिए आपको अच्छा सा स्पीकर भी चाहिए तो देखिये इस मतलब सेटअप के लिए मैंने स्पीकर ले जो कि पंद्रह इंच का औजा का ये वाला मॉडल जो कि आप लोग मॉडल में देख सकते हैं जो कि एल पंद्रह एम बी पांच सौ जो कि स्पीकर रहने वाला है इस टॉप के अंदर काफी बढ़िया स्पीकर है तो आप ये वाला ये स्पीकर को यूज कर सकते हैं चले इसका पार्टिंग की बात करू मतलब वो अटैच तो दो अटैच आप लोग पहले से पता है जो कि पांच सौ आर एस पार के साथ ये स्पीकर आता है और इम्पेड की बात करूंगा इस स्पीकर का तो देखे इम्पेडन आपका एटोम में काम करेगा जो की एटोम वाला ये स्पीकर होता है स्पीकर इसमें आपको पंद्रह इंच और वॉयसकल इसमें आपको चार इंच में मिल जाएगा जो कि काफी बढ़िया है जो कि चार इंच इसमें दिया है तो आप इस स्पीकर को अपने टॉप के लिए ले सकते बहुत ही दमदार स्पीकर है और चले जान लेते हैं इस स्पीकर की प्राइज कितना आपको पड़ने वाला है तो देखे इसको सात हजार से लेकर आपका आठ हजार पांच सौ के बीच में इन्हीं के रेंज में आपको मिल जाएगा और ये प्राइज आपका 2022 से लेकर 2023 के बीच में होने वाला है तो इन्हीं के अंदर आपको मिल सकता है और हो सकता है इन्हीं के रेंज में मिल जाए तो आप लोग इस तरह मतलब टोटल चार पीस स्पीकर ले लीजिएगा और इन्हीं के रेंज में आपको मिल जाएगा चले आगे बात करूंगा स्पीकर के साथ आपको एच एफ प्लास नेटो प्लेट की भी जरूरत पड़ेगा जो कि टॉप के लिए बढ़िया है और ये एच एफ प्लास नेटो प्लेट के बिना टॉप अच्छा नहीं लगता है तो चले इसके भी बारे में आपको बता देता बताया स्पीकर के लिए मैंने एच एफ लिया हूँ जो की आहूजा का ये वाला एच एफ लिया हूँ और एच एफ आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लुक है और इसका मॉडल नंबर आपका सी डी हंड्रेड है इस तरह आपको मॉडल में मिल जाएगा काफी बढ़िया है जो की एक आरम एस पार के साथ ये आता है और इसके साथ आप लोग नेटो प्लेट भी ले लीजिएगा मैं आपको अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ जो कि पैंतीस लेकर चार हजार के बीच में आपको दोनों पीस आराम से आ जाएगा मतलब एचआई प्लस नेटोपीड दोनों चीज हो जाएगा इन्हीं के रेंज में और चले अब बात करूंगा एक टॉप को रेडी करने में कितना प्राइस आपको पड़ेगा चले आपको भी बताता हूँ देखे सबसे पहले आपको दो स्पीकर रहने वाला है एक टॉप के अंदर और साथ में एचआई प्लस नेटोपेड सभी को अगर एड करेंगे तो अप्रोक्स प्राइज ये आपका बनेगा सत्ताईस से लेकर अठाईस के बीच में इतने रेंज में आराम से मतलब एक टॉप रेडी हो जाएगा इसी पर आप लोग जितना चाहे उतना टॉप आप लोग बना सकते हैं इन्हीं के रेंज में आराम से हो जाएगा और मैं आपको प्राइस बता रहा इन्हीं के अंदर आपका एक टॉप रेडी हो जाएगा तो इसी पर का आप लोग दो टॉप या फिर अपने मुताबिक जितना मिल पाए रहना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग दो टॉप चार टॉप या फिर आठ टॉप भी बना सकते हैं इन्हीं के रेंज में हो जाएगा हालांकि इस वीडियो में ओनली दो टॉप का ही बात करेंगे और चले अब बात करूंगा आप लोग दो सिंगल बेस किस तरह रेडी करेंगे और कितना प्राइज आएगा सबसे पहले आपको कैबिनेट चाहिए जो कि इस तरह आपको दो जेबीएल टॉप तो कैबिनेट ले सकते हैं और इसका अप्रोच प्राइस आपको दिनों मिलेगा जो कि पंद्रह सौ सोलह हजार दो सिंगल बेस कैबिनेट हो जाएगा वो भी अच्छा क्वालिटी का और अच्छा मेटेरियल के साथ तो आप लोग इस तरह दो पीस ले सकते हैं इन्हीं के रेंज में हो जाएगा या फिर आप लोग एक डुअल बेस को भी ले सकते हैं जो कि आपका जेबीएल की एस आर एस सेवन टू फाइव एट एस इस तरह मॉडल एक आता है उस टाइप का लेंगे तो वो भी चल जाएगा लेकिन मैंने इस वीडियो में दो सिंगल बेस को रखा हूँ

और इसका कोई डिटेल आपको बताता हूँ जैसे कि ये स्पीकर आपका इम्पोर्टेंट ए टो में काम करेगा और इस, इस, इस स्पीकर की वॉयसकल की बात करूँ इसमें आपको चार इंच वॉयसकल दिखने में मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यह होता है तो आप लोग इस, इस, इस स्पीकर को यूज कर सकते हैं अपने सेटअप के लिए और चले अब बात करूंगा इसका प्राइस आपको एरिया में कितने में दिखने मिलेगा जो कि आपके एरिया में तो देखे इसका अप्रोस प्राइज आपको दिखने मिलेगा जो कि दस हजार से लेकर आपका ग्यारह हजार के अंदर आपका ये स्पीकर मिल जाएगा और इन्हीं के रेंज में आपको मिलना चाहिए और हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा इससे थोड़ा सा कम वो अलग बात है लेकिन इन्हीं के रेंज में आसानी से आपको मिल जाएगा तो आप लोग इसी प्रकार दो स्पीकर ले सकते हैं इसी मॉडल को और चले अब बात करूंगा एक सिंगल बेस को रेडी करने के लिए आपको टोटल खर्चा कितना आएगा तो देखिए आप लोग देख सकते हैं जो कि स्पीकर आपका दस हजार अप्रोक्स मान लेते हैं और कैबिनेट आपका ओनली आठ से लेकर आठ हजार एच पी छजार भी मान सकते इतने रेंज में मिल जाता है तो अप्रोक्स आपका सोलह से के बीच में ये मतलब एक बेस आराम से रेडी हो जाए वो भी सिंगल बेस तो इन्हीं के रेंज में आप लोग बना सकते हैं और हो सकते इससे थोड़ा इससे थोड़ा सकता। मतलब एक दो मिलेगा ज्यादा नहीं इतने अंदर आपको दिखने मिलेगा लेकिन इन्हीं के रेंज में आपका हो जाएगा तो आप लोग इस तरह दो सिंगल बेस कैबिनेट रेडी कर लीजिएगा इस स्पीकर के साथ और चलिए बात करूंगा सेटअप के लिए मैंने एक स्टेंजर का मिक्सर को भी ऐड किया हूं जो कि इसका मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं जो कि एस आर एक्स सिक्स जो कि ये मेरा मिक्सर है जो कि छोटा सा मिक्सर है लेकिन काफी बढ़िया मिक्सर है तो आप लोग इस मिक्सर को ऐड कर लीजिएगा अपने सेटअप के अंदर ये आपका चैनल का मिक्सर होता है और इसका प्राइस देखा जाए ये आपका साढ़े चार हजार से लेकर आपका पांच हजार के अंदर आराम से मिल जाएगी मिक्सर तो आप लोग इस मिक्सर को भी ले लीजिएगा जो कि सेटअप के लिए बहुत ही जरूरी है मिक्सर तो आप इसे भी ले लेना है चले आगे बात करूंगा आप लोग स्टीजर एसपी फाइव के साथ इन दो सिंगल बेस और इन दो टॉप को आप लोग कैसे कनेक्शन करेंगे चले इसके बारे में जान लेते हैं तो सबसे बात रूम देखे ई एन पर आपका टू में दे रहा है जो कि आपका पच्चीस स्टोरेज पर चैनल और आपका दो टॉप का अगर मिलाकर देखेंगे तो आपका एक हजार प्लस सॉरी ग्यारह स्टोरेज प्लस ग्यारह स्टोरेज आपका बनता है जो कि बाईस स्टोरेज वो भी आपका टू में बनेगा तो आप लोग इस तरह मतलब एक चैनल में लगाकर आप लोग चला सकते हैं बड़ी आसानी से चलाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि एम्पलीफायर आपका टूओ में दे रहा है जो कि पच्चीस सोडेज और आपको दो टॉप की मिलाएंगे ये आपका बाइस वोडेज बन रहा है तो काफी अच्छी तरह से चलेगा ओ मैचिंग और वोटेज में दोनों ही अच्छा हो रहा है तो आप लोग एक मतलब एक चैनल दो टॉप लगाकर चला सकते हैं और चले आगे बात करूंगा दूसरा चैनल में आप लोग दो सिंगल बेस को कैसे अट करेंगे और किस तरह चलाएंगे क्या बाकी में ओ मैचिंग वोटो मैचिंग हो रहा है नहीं हो रहा है चले इसके भी बारे में जान लेते हैं तो सबसे बाथरूम में देखिए आपका एक बेस बनता है जो कि 650 और इधर भी आपका 650 दोनों बेस आपका 650 सौ पचास प्लस छह वो भी एटो में बन रहा है अगर दोनों का आपस में पलर कनेक्शन करेंगे तो ये आपका बनेगा जो कि फोर में आपका तेरह सौ तो ये आपका तेरह सौ बनता है जो कि दोनों मतलब बेस को मिलाकर और ये एम्पलीफायर के हिसाब से देखा जाए फोर्म में तो अप्रोक्स ये बारह सौ तेरह सौ दे देता है तो ये आसानी से चला लेगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा लेकिन मैं आपको एक चीज पहले भी बोल चुका हूँ देखिए स्टेज एम्लीफायर हमेशा बेस के लिए अच्छा नहीं होता है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा टॉप के लिए लेकिन इस तरह का चलाना चाहेंगे तो आप लोग चला सकते हैं अच्छा क्वालिटी के साथ बजेगा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा कि ओ मैचिंग प्लस प्लास में दोनों ही अच्छा हो रहा है तो आप लोग इस तरह मतलब कनेक्शन करके और साथ ही एम्पलीफायर को लेकर आराम से एक सेटअप बना सकते हैं चले आगे बात करूंगा इस तरह मतलब सेटअप को बनाने के लिए टोटल खर्चा कितना आएगा मतलब टोटल प्राइस कितना बनेगा चले आपको बता तो देखे इस तरह आपका सेटअप बनाने के लिए लगभग आपका एक लाख साठ हजार फिर एक लाख पचास हजार में भी हो सकता है तो इन्हीं के अंदर आप लोग बना सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सेटअप होने वाला है वो भी स्टेजल साथ लेकिन बेस के लिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा आप दूसरा निपार ले लीजिए लेकिन इस तरह सेटअप बनाना जाएंगे तो इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि वाटर मैचिंग प्लस वो मैचिंग बहुत ही बढ़िया हो रहा है तो आप लोग इस तरह एम्पलीफायर लेकर और इस तरह दो टॉप सिंगल मतलब बनाकर आप लोग सेटअप बना सकते बहुत ही बढ़िया साथ ये चलेगा और अच्छा रहेगा तो चले आज तक और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आपका कोई भी सवाल तो वो भी कमेंट